एल्जेब्रा का एक पर्टिकुलर टाइप आप देखोगे तो आईसीएआर में रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा गया है, ये इसके पहले एसएससी के सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल में, सेलेक्शन पोस्ट में हर बार पूछा गया है। बस डिफरेंस क्या है ना कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा उलझा दिया गया है और आपको उस उलझे हुए पार्ट को समझना है कि कितना बारीकी से उसमें छोटी छोटी चीजों को निकाल लेना है। देखो एक ये सवाल है, एक ये है, आगे एक ये है, तो सीजीएल का मैं एक्स्ट्रा रख लिया हूं, ये मैं लिख लिया हूं पॉइंट, जल्दी समझा दूंगा। एक ये है और मैं आगे दिखाऊं तो देखो ये मेंस में भी एक सवाल आया हुआ है। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है अभिषेक ओझा और मैं ऑल इंडिया रैंक 112 लाया हूं सीजीएल 2020 से और सीजीएल 2021 से सीबीआई में एक पोस्ट लिया हूं और सीएचएसएल सीपीओ सारे एग्जाम्स क्लियर किया हूं। सीएचएसएल में मेरे मैथ्स में 50 में 50 थे, मैं डीवी छोड़ दिया था नहीं तो मेरा टॉप 50 में रैंक आता। सीपीओ में दो बार डीवी छोड़ दिया हूं, सिर्फ दो बार ही डीवी गया हूं 2020 और 2021 और दोनों बार टॉप पोस्ट उत्तर टॉप रैंक लाया हूं मैं। आप भी आप अच्छा कर सकते हो अगर इन बारीक चीजों को ध्यान से धीरे धीरे एनालिसिस करके पढ़ते हो। जो ये रिविजन सीरीज चला रहा हूं इसका यह सिक्स या सेवेंथ लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो जाके पहले सारे के सारे वीडियोज को देखो, आपको पता चलेगा कि रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से रिवीजन करने पर एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट होता है। पूरे चीजों को रिवाइज करो और अच्छे से एक टॉपर के साथ, एक रैंकर के साथ उनकी बातें सुन के उसको फॉलो करके आप भी एक टॉप पोस्ट, एक टॉप रैंक पे जल्दी आओ, मैं यही दुआ करता हूं। आ जाओ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं लिख दिया हूं एक पॉइंट, बहुत बारीक सी पॉइंट है। क्या है? एल्जेब्रा है। तो एल्जेब्रा का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc होता है। मेरे को लगता है ये सबको याद होगा, लेकिन इसका ना दोनों ट्रू होता है, मतलब इसका वाइस वर्सा ट्रू होता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc का, और अगर ये भी बोल दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है 3abc का, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा जीरो का। इट मीन्स कि जब वो आपकी है तो आप उनके होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो मेरी है मैं उसका हूं, ये नहीं, एकदम कट टू कट क्लियर कट बात रहना चाहिए। अब आ जाओ ये सवाल करो, सीएचएसएल 2020 का आया हुआ सवाल है। क्या है कि अगर एक्स क्यू प्लस 27 वाई क्यू प्लस 64 जेड क्यू बराबर है 36 xyz तो एक्स वाई और जेड के बीच संबंध क्या है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स क्यू प्लस 27 वाई क्यू प्लस 64 जेड क्यू बराबर है 36 xyz। चलो आप इंग्लिश का सवाल बताना, यहां पर बिटवीन एक्स वाई एंड जेड सही है कि गलत है? क्योंकि आपको पता है बिटवीन यूज होता है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए और दो से ज्यादा चीजों के लिए एमोंग यूज करते हैं, एमोंग दीज बॉयज, एमोंग फाइव बॉयज, एमोंग फाइव फ्रेंड्स। यहां पर बिटवीन सही है कि गलत है आप लोग कमेंट बताना, सही है तो कैसे है और नहीं सही है तो क्या सही है, एमोंग का केस क्या होता है, आप लोग कमेंट करना इंग्लिश के लिए। आ जाओ हम लोग मैथ से बात करते हैं। अब देखो क्या है, इंग्लिश का भी रिविजन सीरीज चला दो क्या? अब देखो क्या है कि आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc होता है तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। मैं देखा ये a का क्यूब है, ये मेरा क्या है b का क्यूब है, 3y का क्यूब है, ये मेरा x का क्यूब है और ये मेरा 4z का क्यूब है, तो ये बराबर होगा किसके, 3 × x × 3y × 4z के, तभी तो होगा 3abc है क्या वहां पे। देखो 3 × 9 = 36 एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि जो उत्तर होगा होगा कि a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर होगा, तो x प्लस 3y प्लस 4z जो है वो जीरो के बराबर कहां है। देखो देखो x प्लस 3y प्लस 4z ऑप्शन डी सही है। आप कमेंट करके बताना क्या आप इस सवाल को बिना पेन उठाए किए हो, बोलना यस सर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट पेन, यस सर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट पेन, आप बताना। अगर किए हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि पेन उठाने की नीड नहीं थी।
इस सवाल को करो, टीयर टू का सवाल है। इससे पहले चलो पहले आईसीएआर वाला करते हैं। देखो इसको करो, क्या है सवाल कि इफ 5x माइनस 3 का क्यूब प्लस 3x माइनस 5 का क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का क्यूब बराबर है 45 इंटू एक्स माइनस 3 बटे 5 प्लस 3x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 देन 11 बाई 9x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा। एक चीज याद रखना मेरे भाई, मैं यहां पे मूवी नहीं चला रहा हूं कि आपको सिर्फ ऐसे देखना है, बिना पेन और कॉपी के कभी लेक्चर मत देखना। पेन कॉपी लेके बैठो, सवाल को एक बार खुद से ट्राई करो, बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो उससे भी अच्छा, मैं सिखा रहा हूं ना, तो आपको हमेशा ट्राई करना है। मूवी नहीं देखोगे, मूवी देखोगे तो आपको कुछ पार्ट याद रहेगा, कुछ पार्ट नहीं याद रहेगा, पूरा कंप्लीट आपको याद रखना है। लेक्चर है तो छोटी छोटी बारीकियों को याद रखना है। यहां पर क्या किया है, यहां पर किया है कि वो सीधा सीधा नहीं दिखा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है 3abc के, थोड़ा सा उलझाया है। तो मेरे को उलझे हुए से एक लाइन याद आता है, मैं आपको सुना दूं क्या, कि लापता जिंदगी का पता ढूंढ लाएंगे, उलझनों को भी एक एक करके सुलझाएंगे। यूं तो उलझनों की जंजाल है जिंदगी, मगर हां इस जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो आ जाओ हम लोग इस उलझन को सुलझाते हैं। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था सिंपल। आपको देखो आगे से ऐसे लिखना नहीं है, 5x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 1, ये किया क्या है, वो कुछ किया नहीं है। जहां पे 5x माइनस 3 रहना चाहिए था वहां से 5 कॉमन ले लिया है, तो ये कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसे हो गया, 5 कॉमन हो गया, x माइनस 3 बटे 5। यहां से 3x माइनस 5 को ऐसे ही रखा और 3x प्लस 1 से, प्लस नहीं माइनस है, 3x माइनस 1 से 3 कॉमन ले लिया है तो x माइनस 1 बटे 3 हो गया है। और क्या किया कि इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 पचे 15 दिया 45, और फिर लिखा है 45 इंटू एक्स माइनस 3 बटे 5 इंटू 3x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 3। समझ गए, तो ये आपको ये लिख के नहीं समझना है, ये आपको देख के वहीं पे समझना है कि वो आपको उलझाने का कोशिश किया है। आप देखे अच्छा ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब है भाई, सीधा करो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, 5 3 8 3 11 3 5 8 1 9 9 बटे 11 खत्म हो गया, 5 1 6 का क्यूब 216, ऐसे आपको टिक करना है। समझाता हूं देखो कैसे मैं किया क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, तो 5x माइनस 3 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 1 बराबर होगा 0, तो x को x के साथ और नंबर्स को नंबर्स के साथ ऐड कर दिया, 5 3 8 3 11 x 3 5 8 1 9 बराबर है 0, तो x बराबर किसके होगा 9 बटे 11। अब मैं इसको यहां पुट कर दूंगा तो 11 बटे 9x इंटू 9 बटे 11 प्लस के 5 का क्यूब, तो ये खत्म हो गया, 5 और 1 6 का क्यूब तो 216 आएगा। बोलो कि हाँ, क्या आपको इतना लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं, क्यों लिखोगे, आपको यहीं से डिसाइड हो रहा है कि x को x के साथ और नंबर्स को नंबर्स के साथ जोड़ना है, तो आप यहीं से जोड़ो ना कि 5 3 8 और 3 11 यहां से जोड़ो, 3 और 5 और 8 1 9 बस ये पार्ट लिखोगे तो टाइम बर्बाद होगा, आपको थोड़ा टाइम बचा लेना है, अदर सब्जेक्ट में देना है। अब देखो इस सवाल को करो, क्या है सीजीएल टीएल टू का सवाल है, जल्दी से करने का कोशिश करना, पॉज करके खुद से ट्राई करो। गिवन दैट 5x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का क्यूब प्लस 27 इंटू 4 माइनस 3x का क्यूब बराबर है 9 इंटू 3 माइनस 5x 2x प्लस 5 4 माइनस 3x, थोड़ा सा घुमाया है क्या, उलझाया है क्या, हाँ उलझाया है। किस तरीके से उलझाया है समझने का कोशिश करना, मेरे को लग रहा है ना कि इसमें कुछ एरर है, ये 5x माइनस 3 है, ये 3 माइनस 5x है, ये 4 माइनस 3x है, वो भी 4 माइनस 3x है, यहां पर ना इसको 5x माइनस 3 में कन्वर्ट कर लो नहीं तो एरर हो जाएगा। अब आपको क्या गिवन है, देखो 5x माइनस 3 का क्यूब 2x प्लस 5 का क्यूब, ये 27 इंटू 4 माइनस 3x है,
तो आपको पता है प्रॉपर होता है ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, ये तो नंबर के साथ क्यूब दिया हुआ है, तो उसको अंदर भेज दो, अंदर ये 27 इंटू 4 माइनस 3x है, तो इसको मैं क्या किया, इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूं, हाँ 3 का क्यूब इंटू 4 माइनस 3x का क्यूब है, हाँ है, अब इस 3 के क्यूब को अंदर भेज दिया, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9x का क्यूब। अब मेरे लिए सवाल ये यूं था कि मेरे लिए ये था कि 5x माइनस 3 का क्यूब, 2x माइनस 5 का क्यूब, और ये वाला जो था ना ये ऐसे था कि 12 माइनस 9x का क्यूब, और ये किसके बराबर है, तो अगर आप देखो तो आप उस 3 को बाहर रखते तो 3abc 3 × 3 9 हो जाता, बोलोगे हाँ तो बात तो सही है, कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, फटाफट जोड़ दो ना। अब मैं इसको मिटाता हूं और भरबली करने सिखाता हूं, अल्टीमेटली आपको a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर करना है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी में ये a है, ये b है, ये c है, ऐड करता हूं नंबर्स को नंबर्स के साथ और x को x के साथ, 5 और 2 7, 7 से 9 गया माइनस का 2x, माइनस 3 और 5 प्लस का 2, 2 में 12 जोड़ा 14, तो x क्या आएगा मेरे दोस्त, माइनस का 7, x जैसे ही आपका, अरे रे क्या आया था मेरा, माइनस 2x और प्लस का 14 आया था, प्लस का 14 आया था ना, ये बराबर होगा 0, a प्लस बी प्लस ये 0 होता है, 5 2 7 से 9 गया माइनस 2, 5 से 3 गया 2 और 12 14 बराबर 0 है। अब मैं 2x को उस साइड भेजा तो 14 को दूसरे साइड, तो 2x बराबर 14, x बराबर क्या आया 7, अब आपको निकालना क्या है 2x प्लस 1 का वैल्यू, तो 7 × 2 = 14 और प्लस का 1 = 15 विल बी सही उत्तर, एकदम सही है कि नहीं है, चलो इस सवाल को करके बताओ क्या आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, कि इफ 9x माइनस 7 का क्यूब प्लस 8 इंटू 5 माइनस x का क्यूब माइनस 27 इंटू 4x प्लस 11 का क्यूब बराबर है 18 इंटू 7 माइनस 9x इंटू 5 माइनस x इंटू 4x प्लस 11, देन फाइंड x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरा ना सॉल्व करना पड़े, तो एक आपको कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा मैं 1 घंटे का लेक्चर पढ़ाता हूं, जब पढ़ाता हूं तो पढ़ाया भी हूं यूट्यूब पे, फैक्टर कॉन्सेप्ट पे होता है, कि आपको पूरा का पूरा इस पे भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल आते हैं सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट से, खतरनाक खतरनाक सवाल एसएससी में पूछे गए हैं और इससे आपको आगे भी पूछे जाएंगे, मैं आने वाले टाइम में इस पे भी एक क्लास दे दूंगा। देखो x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपको बेसिक चीजें पता है, ऊपर है a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब बराबर समथिंग, देखो यहां पर थोड़ा सा घूम जाता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, देखो अगर यहां पे कहां ला दिया, यहां पे अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc है तो a प्लस b प्लस c 0 है, अगर मैं बोलूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब 0 है तो आपको a प्लस b प्लस माइनस c बराबर होगा 0 के, बात को समझ गए, बात को समझ गए, क्लियर है ना, एकदम क्लियर होगा। अब देखो यहां पे जनरली माइनस 3abc होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, यहां पर आप आपको पूरा देखना नहीं है, आप देखते समझ जाओ वो वाला कॉन्सेप्ट है, लगा दो बात खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्या है a प्लस बी माइनस सी कर दो। अब आपको देखना है 9x माइनस 7 का क्यूब सही है, ये तो 8 है भैया, 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, 2 को अंदर भेज देता हूं तो ये 2 × 5 = 10 माइनस 2x का क्यूब है, ये भैया 27 है, 27 तो सर मेरे 3 का क्यूब होता है, 3 को अंदर भेज देता हूं, 3 × 4 = 12x प्लस 33 का क्यूब। अब मैं सॉल्व किया कि a प्लस बी माइनस सी क्या होगा, तो मैं करूंगा क्या, x को एक साथ और नंबर्स को एक साथ करूंगा, 9 से 2 गया 7, 7 से −12 किया तो माइनस का 5, देखो आप ऐसे लिखोगे तो टाइम लगेगा, 9x माइनस 7 प्लस 10 माइनस 2x
और माइनस 12x, और ये इधर है तो ये क्या है अंदर, प्लस का 33। अब मैं सॉल्व करूंगा तो 9x माइनस 7 प्लस 3 माइनस 2x माइनस 12x माइनस 33। मैं करूंगा क्या, 9 से 2 गया 7, 7 से 12 गया माइनस 5, 10 से 7 गया 3, 3 से माइनस 33 गया माइनस 30, बराबर हुआ 0। 5x बराबर हुआ माइनस 30, x बराबर हुआ माइनस 6। अब ये काम नहीं करना है कि यहां 6 पुट कर रहे हो, यहां माइनस 6, यहां माइनस 6, ऐसे पूरा काटाकुटी कर रहे हो, टाइम लग जाएगा। आपको ये बात पता चल गया कि x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज करके x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आप लिख सकते हो। तो सीधा ये काम करो ना कि आप क्या करो, इसको काटोगे तो आपको पता है प्लस वाले टर्म से काटे हो तो ये वाला टर्म आपको बचेगा, क्योंकि ऊपर फैक्टराइज होगा वो तो इन दोनों का मल्टीपल है, तो एक नीचे से कट जाएगा एक बच जाएगा, बोलोगे हाँ। या फिर सीधा करोगे कि इसको नीचे लाओगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर किसके आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मतलब ये वाला पार्ट भी बराबर किसके होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब माइनस 6 पुट कर दो, माइनस 6 का स्क्वायर 36, प्लस का 6 और माइनस का प्लस का 1, 36 6 37 6 43। लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चनवा में एरर है, हो सकता है कहीं प्लस माइनस का एरर हो, तो आप चेक कर लेना एक बार, कहीं भी एरर हो सकता है। तो आप इसका उत्तर में 43 आया है, वैसे कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, अदरवाइज एरर नहीं आता, आप लोग एक बार चेक करना, सब कुछ सही है। आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं उस कॉन्सेप्ट को मैं सही तरीके से आपको सिखा पा रहा हूं। प्लस माइनस का मिस्टेक हम लोग बाद में मैनेज करेंगे, जो पॉइंट सीखना है, जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो क्लियर है कि नहीं है। अब देखो एक आपको क्रिटिकल कॉन्सेप्ट सिखाता हूं इसी में, वो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कि अगर 3x माइनस 1 का क्यूब प्लस 4x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का क्यूब बराबर है 3 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 एंड x डजंट इक्वल टू 1/3, देन x इक्वल टू व्हाट। कॉन्सेप्ट एकदम सेम है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर है 3 इंटू ए बी सी के। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा a प्लस b प्लस c बराबर होगा 0 के। मैं किया 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9x होगा, हां होगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3, ये तो क्लियर है ना। अब आप जोड़ पा रहे होंगे, आप मेरे से भी तेज हो, आप लोग ये तो कर ही लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे तो आप कर रहे हो कि 3 4 7 2 9 माइनस 1 माइनस 3, या फिर ये खत्म हो गया माइनस 3, ये बराबर होगा 0 के। 9x किसके बराबर आया, 3 के। x किसके बराबर आया, 3/9, इट मींस 1/3। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि x 1/3 के बराबर नहीं, उत्तर में भी 1/3 नहीं है, तो क्या ये सवाल नहीं बनेगा, बनेगा। यहां पर होता है क्लैरिटी, जितना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रहना चाहिए कि देखो अगर आपसे बोला जा रहा है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होने के साथ साथ एक और कंडीशन यहां होता है कि a बराबर होता है b बराबर होता है c के। कैसे होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आइदर इसको 0 पुट कर दूं तो भी ये पूरा 0 के बराबर होगा, कभी कभी मैं इसको 0 पुट कर दूंगा तो भी ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो जब ये 0 होगा तो आप तब भी ये सही है, और जैसे ही ये नंबर ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी 0 के बराबर होगा तो एक कंडीशन निकल के आता है, वो कंडीशन है कि a बराबर हो जाता है b बराबर हो जाता है c के। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ऐसा सवाल पूछे जहां पर ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहा है या फिर ये वाला एक कंडीशन गिवन है तो आप समझ जाना कि a बराबर b बराबर c का कॉन्सेप्ट है। बस फटाफट से ये गलती ना करते हुए आप किसी तीनों में से दो को बराबर कर देना, आइदर ये दोनों को बराबर कर दो कि 3x माइनस 1 बराबर है 4x माइनस 3 के, तो x को एक साइड किया तो 4x माइनस 3x x हो गया और 3 से 1 गया
दो हो गया, x का वैल्यू दो आ गया। देखो कई बार जरूरी नहीं है कि आप a और b को ही करो, आप मन करता है तो इन दोनों को भी बराबर कर सकते हो, उत्तर नहीं बदलेगा कि 4x माइनस 3 बराबर हो गया 2x प्लस 1 के। तो 2x को इस साइड लाऊंगा तो 4 से 2 गया 2, और 3 को इस साइड ले जाऊंगा तो 3 एक 4, x का वैल्यू क्या आया 2। आपको मन है तो a और c को भी बराबर करना, फिर भी आपका उत्तर 2 ही आएगा। कैसा लगा ये क्लास बताना, बहुत मेहनत से क्वेश्चंस को छाटना पड़ता है हर एक साल में जाके, अब मेरे ब्रेन में है, मैं याद रखा हूं, मैं सारे 15,000-20,000 सवाल प्रैक्टिस किया हूं। मेरे को याद है कि इस साल में ये सवाल आया है, यहां पर लोग फंसे थे, ये वाला पर्टिकुलर सवाल फंस जाते हैं लोग। सिर्फ मैं लेटेस्ट ही नहीं करा रहा हूं, प्रॉपर 5 साल 6 साल 4 साल का एनालिसिस करके क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो आप लोग मेरे इतने मेहनत के लिए एक लाइक तो कर सकते हो, एक प्यारा कमेंट तो डाल सकते हो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा, और उसमें जाके सारे सवालों को प्रैक्टिस करना। ये पर्टिकुलर सवाल आईसीआर का है, इसका उत्तर आपको ना कमेंट बॉक्स में देना है क्या आएगा, लेटेस्ट सवाल है ये। और आपको इतने सारे सेशन में टोटल प्रोवाइड कर चुका हूं, इसमें कुछ सेशन बाकी है, जैसे देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऊपर सेशन आने वाला है, एलसीएम एचसीएफ के आने वाला है। अगर ये पहली बार देख रहे हो तो जाके पूरे सेशन देखो और बताओ कितना मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर स्टॉप कर देना चाहिए, उतना मजेदार नहीं है यार, क्या टाइम पास कर देते हो, ऐसा वाला है, आपको बताना है। और जाके आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेहनत करते रहना है, एकदम समय नहीं बचा है। देखो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टेटस भी आना स्टार्ट हो गया है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, पेपर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी के टाइम को जो सही तरीके से यूटिलाइज करेगा ना, वो जीवन भर खुश रहेगा, क्योंकि समय का सही यूज जो कर लेता है ना, उसका ही सिलेक्शन होता है। जो समय का सही यूज नहीं करने जानता है, गलत समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है। गलत समय मतलब कि इस टाइम पर क्रिटिकल टाइम है, एकदम ऐसा ना टाइम है ना कि आप बिल्कुल इधर उधर नहीं हो सकते हो, और इस टाइम पर सही डिसीजन होगा कि आप मन लगा के पढ़ रहे हो, ये नहीं कि इधर उधर घूमने जा रहे हो, आप सही सही काम करोगे इस टाइम पे ना, तो नौकरी जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आइदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर एलसीएम एंड एचसीएफ के साथ। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है, एलसीएम एचसीएफ और साइक्लिक का तो मैं पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा सॉल्यूशन, टोटल 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों पे मैं बहुत सारे सवाल लेकर आऊंगा। अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जल्दी मिलते हैं।